Good morning, everyone. Continuing with our next topic of the chapter number 11, consignment of goods, that is normal and abnormal loss. अब जो हम यहाँ पे टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज कि अगर एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों गिवन है, तो हमें ये देखना होता है कि पहले नॉर्मल लॉस हुआ है या पहले एबनॉर्मल लॉस अकर हुआ है, मतलब उसका सीक्वेंस देखना होता है कि जो नॉर्मल लॉस है उसकी अकरेंस पहले हुई है और एबनॉर्मल लॉस की बाद में हुई है, या एबनॉर्मल लॉस की अकरेंस पहले हुई है और नॉर्मल लॉस की बाद में हुई है. क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कैलकुलेशंस हम उसी हिसाब से करेंगे. अगर हमारे पास नॉर्मल लॉस पहले हुआ है तो हम नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे. अगर हमारे पास एबनॉर्मल लॉस पहले हुआ है और नॉर्मल लॉस बाद में हुआ है तो पहले एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो नॉर्मल लॉस है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू करेंगे जो भी हमारा अनसोल्ड स्टॉक होगा. तो हम इसका इक्वेशन देख लेते हैं. ए, पहले इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं. ए हु डील्स इन फॉर्डर सेंड्स 500 टन्स ऑफ फॉर्डर कॉस्टिंग 12,50,000 टू हिज कंसाइनी बी. द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन सेंडिंग द फॉर्डर वर 14,725. 20 टन्स फॉर्डर वॉज स्टोलन इन ट्रांजिट. स्टोलन इन ट्रांजिट है मतलब ये एबनॉर्मल लॉस हुआ. एंड द बी टुक द डिलीवरी ऑफ 475 टन्स. B sells 450 tons of fodder. Calculate the value of abnormal loss and stock. तो calculate करते हैं इसको. सबसे पहले abnormal loss हम देखते हैं कैसे हुआ है और normal loss के according कैसे हम उसे मानेंगे, कितने की उसने delivery ली है उसके according. Abnormal loss कितना हुआ है आपका, given है that is 20 tons. Normal loss कितना हुआ है कैसे पता चलेगा, आपने जो सेंड किया है उसे वो किया है 500 टन्स, उसने डिलीवरी ली है 475 टन्स की. अब 500 में से 475 टन्स जब हम माइनस करते हैं मतलब 25 का लॉस हुआ है टोटल. अब उस 25 में से 20 टन्स तो हो गया एबनॉर्मल लॉस, तो 5 टन्स हुआ हमारा नॉर्मल लॉस. और जो नॉर्मल लॉस है वो अगर हुआ है नेचुरल कॉजेस से ड्यू टू लोडिंग अनलोडिंग और वेइंग एक्सेट्रा, तो क्योंकि दोनों के दोनों लॉस जो हैं वो अकर हुए हैं ड्यूरिंग द ट्रांजिट, रास्ते में अकर हुए हैं दोनों के दोनों लॉसेस, तो उस टाइम पर हम नॉर्मल लॉस को पहले कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे एक चीज था कि जब आपका नॉर्मल लॉस पहले हो रहा है एबनॉर्मल लॉस बाद में हो रहा है, और एक था कि जब हम एबनॉर्मल लॉस पहले हो रहा है और नॉर्मल लॉस बाद में हो रहा है. यहाँ पे आपके दोनों लॉसेस जब इकट्ठे अकर कर रहे हैं तो हम इसे कौन सी सिचुएशन मानेंगे, जहाँ पे आपका नॉर्मल लॉस पहले हुआ है और एबनॉर्मल लॉस बाद में हुआ है ये सिचुएशन, और जहाँ पर आपका नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है इस सिचुएशन में. दोनों सिचुएशंस में कैलकुलेशन कैसे होगी वो इस क्वेश्चन में आपको पता चलेगा. तो क्योंकि दोनों लॉसेस अकर हुए हैं ट्रांजिट में तो नॉर्मल लॉस को पहले हम कंसीडर करेंगे. तो 500 टन्स ऑफ ऑर्डर की कॉस्ट थी हमारी 12,50,000 रुपीज़. एक्सपेंसेस जो इनकर किए उस पर वो थे 14,725. तो टोटल कॉस्ट 500 टन्स ऑफ ऑर्डर की बनी 12,64,725. अब जो 5 टन्स ऑर्डर नॉर्मल लॉस हुआ, जब हम 500 में से उसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा 495 टन्स. तो ये जो कॉस्ट आई है 500 टन्स ऑफ ऑर्डर की, इसे हम मानेंगे कॉस्ट 495 टन्स ऑफ फॉर्डर. इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एबनॉर्मल लॉस है वो कैलकुलेट होगा. द कॉस्ट ऑफ 495 टन्स ऑफ फॉर्डर इज 12,64,725. तो 20 टन्स ऑफ फॉर्डर की कॉस्ट क्या होगी, तो 1,264,725 डिवाइड बाई 495 इंटू 20, तो ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट आपके एबनॉर्मल लॉस की. अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की. आपको 495 जो है आपका नॉर्मल लॉस के बाद क्वांटिटी थी, अब उसमें से 20 जो है आपका एबनॉर्मल लॉस चला गया, मतलब टोटल डिलीवरी आपके पास आई 475 की. 475 में से 450 टन्स ऑफ ऑर्डर आप सोल्ड कर चुके हो, तो बचा 25 टन्स ऑफ ऑर्डर. तो अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट 495 टन्स ऑफ ऑर्डर की और उस है 12 लाख
64725 रुपए। तो कॉस्ट 25 टन्स ऑफ फॉडर की कितनी होगी? तो 1264725 डिवाइड बाय 495 इनटू 25, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। वंश ऑफ कैलकटा सेंट 5000 केजीज ऑफ घी टू प्रवीण ऑफ भोपाल एट द रेट ऑफ 62.40 पर केजी। वंश पे 2500 रुपीज कैरेज, 2000 फ्राइट एंड 1500 इंश्योरेंस। प्रवीण टुक द डिलीवरी ऑफ 4500 केजीज ऑफ घी। 300 केजीज ऑफ घी वॉज स्टोलन इन ट्रांजिट एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 5000 रुपीज। प्रवीण स्पेंड 2250 रुपीज ऑन ऑक्ट्राई एंड अनलोडिंग। ही सोल्ड 400 केजीज ऑफ घी एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर केजी। ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑन सेल्स। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वंश अज्यूमिंग दैट प्रवीण हैड सेटल्ड हिज अकाउंट बाय सेंडिंग द पेमेंट इन कैश। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट उसके पास कितने का आया? 5000 इनटू 62.40, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 312000। एक्सपेंसेस जो उसने इंकर किए दैट इज 2500 रुपीज, 2000 रुपीज एंड 1500 रुपीज। तो टू कैश एक्सपेंसेस 6000 आपने टोटल लिख दिया। उसके बाद जो एक्सपेंसेस प्रवीण ने इंकर किए दैट इज 2250 रुपीज, तो टू प्रवीण अकाउंट 2250 रुपीज। उसने सेल्स कितने की 4000 केजीज ऑफ घी की एट द रेट ऑफ 80 पर केजी, तो बाय प्रवीण अकाउंट 320000 रुपीज की सेल्स हो गई। अब उसके ऊपर कमीशन जो उसे मिलनी है 8% ऑन सेल्स, तो टू प्रवीण अकाउंट 320000 के ऊपर आपने कमीशन निकाल लिया 8% से। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, मतलब जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। उसने भेजा 5000, उसने डिलीवरी ली 4500, तो डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? डिफरेंस है 500 केजीज का। अब 500 केजीज में से वो बोल रहे हैं जो 300 केजीज है वो तो स्टोलन इन ट्रांजिट है, मतलब ये हुआ आपका 300 का एबनॉर्मल लॉस। तो 200 केजीज का हुआ आपका नॉर्मल लॉस। अब उसने डिलीवरी ली 4500 केजीज की और उसमें से 4000 केजीज उसने बेच दिया, तो इसका मतलब जो अनसोल्ड स्टॉक है वो कितना पड़ा है आपके पास? 500 केजीज। तो इसके कैलकुलेशंस हम देख लेते हैं। पहले कैलकुलेशन एबनॉर्मल लॉस की, लेकिन क्योंकि इंकर हुआ है ड्यूरिंग द ट्रांजिट ही इंकर हुए हैं, तो पहले जो हमारा नॉर्मल लॉस है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलेगी और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो देखते हैं, कॉस्ट 500 केजीज ऑफ घी की 62.40 केजी के हिसाब से 312000। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर के ऐड हुए हैं आपके 6000 रुपीज। अब एक चीज देखिए, अगर जो लॉस है आपका, जो एबनॉर्मल लॉस है या जो नॉर्मल लॉस है, अगर आपका इंकर हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो एबनॉर्मल लॉस जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर के हैं, उसे हम ऐड करते हैं वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। देन आपका टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर के ऐड हो गए, टोटल कॉस्ट आपकी आई 5000 केजीज ऑफ घी की 318000। नॉर्मल लॉस हुआ 200 केजीज का, मतलब ये जो 5000 केजीज जो है उसकी जो कॉस्ट है 318000, ये एक्चुअल में कॉस्ट कितने की बन गई? 4800 केजीज ऑफ घी की। अब एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपको 300 केजीज का, तो हमारी वैल्यू कैसे निकलेगी? 318000 आपकी कॉस्ट है 4800 केजीज की, तो 300 की कितनी होगी? तो 318000 डिवाइड बाय 4800 इनटू 300, तो ये आ जाएगा आपके एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, क्वांटिटी है हमारे पास 500 केजीज की। तो अगर कॉस्ट है 500 केजीज की, जो कॉस्ट है वो कितनी होगी? 4800 केजीज की जो कॉस्ट है दैट इज 312000, मतलब जो टोटल क्वांटिटी में हम देख रहे हैं, तो 312000 डिवाइड बाय 4800 इनटू 500 आपने कर दिया, तो ये कॉस्ट आ गई आपकी
जो 500 केजीज आपका अनसोल्ड स्टॉक है उसकी। अब इसमें एक्सपेंसेस ऐड किए आपने, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर के, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनी के। अब इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली है, दैट इज जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस कंसाइनर के माने जाएंगे वो 4800 रुपीज के हिसाब, 4800 केजीज के हिसाब से निकलेंगे, जबकि जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस है कंसाइनी के वो 4500 के हिसाब से निकलेंगे, क्योंकि उसने डिलीवरी 4500 केजीज की ली है। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस को ऐड करके जो आपका है टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वो आ जाएगी। तो इसे हम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिख देंगे बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और जब बैलेंस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देन सेम उसी तरीके से बाकी लेजर अकाउंट्स जो आपने बनाने हैं, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3,12,000, और क्लोजिंग जब आप उस अकाउंट की करेंगे तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट 312,000। एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट 19875 से टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया 5,000 तो बाकी गया P&L अकाउंट में। देन प्रवीण के अकाउंट में उसने जो सेल्स की टू कंसाइनमेंट अकाउंट 320, देन उसके एक्सपेंसेस बाय कंसाइनमेंट अकाउंट उसकी कमीशन, और जो बैलेंस होगा वो कैश अकाउंट में चला जाएगा। देन स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू है, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट एंड उसके बैलेंस को आप ट्रांसफर सीडी करेंगे तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 33375 रुपये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर हम सीक्वेंस हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस पहले हो रहा है और नॉर्मल लॉस बाद में हो रहा है। तो कई बार जब एबनॉर्मल लॉस है वो ट्रांजिट में अकर हो गया, लेकिन नॉर्मल लॉस गुड्स जब पहुंच गई हैं कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी जब उसे हैंडल कर रहा है तब लॉस अकर हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस हमारा बाद में हो रहा है। उस केस में हम एबनॉर्मल लॉस पहले कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मल लॉस को उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।